जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो फ्रेंड, जो लोग ब्लॉगिंग या फिर वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए तो ट्राइपॉड या फिर ब्लॉगिंग किट की तो बहुत आवश्यकता पड़ती है। वैसे में अगर ब्लॉगिंग किट को ख़रीदना चाहें तो देख सकते हैं फ्रेंड, 800 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये का मिल रहा है। वैसे में अगर जिन लोगों के पास पैसा नहीं तो वो लोग कैसे खरीदेंगे। सपोज कीजिए गाइस, आप नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं तो फ्रेंड दूसरे पर्सन की आवश्यकता बहुत पड़ेगी जो कि लाइट लिए खड़ा रहेगा। तो फ्रेंड इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए गोलू एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम पीवीसी शीट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड इस टाइप से मार्क लगा लेंगे 10x3 सेंटीमीटर का। तो फ्रेंड मार्क लगा लेने के बाद शीट को कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही शीट को कटिंग कर लिया। तो फ्रेंड इन सभी शीटों को आपस में चिपका देंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो गाइस इन सीटों को आपस में चिपका लेने के बाद फ्रेंड इस टाइप से रफ कर देंगे। रफ कर लेने के बाद एक इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे, इसे हिट करके बैंड कर देंगे। जिस टाइप से वीडियो में दिखा रहे हो उसी टाइप से आपको भी कर लेना है। इसे इस टाइप से रफ कर देंगे। चलिए फटाफट से रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड रफ कर लेने के बाद इसे इस टाइप से यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। चिपका लेने के बाद ऊपर के साइड मार्क लगा करके उसे कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड कटिंग कर लेने के बाद एक इस टाइप से पाइप लेंगे जो कि इसमें फिट आना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड अच्छे तरीके से लग जा रहा है और निकल भी नहीं रहा है। तो फ्रेंड दो इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे, इसे हीट करके बैंड कर देंगे। तो फ्रेंड इन दोनों सीटों की जगह आप इस टाइप से पीवीसी का पाइप का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इन दोनों सीटों को बैंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड सीटों को बैंड कर लेने के बाद एक बार देख लेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड अच्छे तरीके से लग जा रहा है। फ्रेंड इस टाइप से 4 पीवीसी का टुकड़ा ले लेंगे। फ्रेंड इन्हें दो दो को करके आपस में चिपका देंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड सीट को आपस में चिपका लेने के बाद फ्रेंड एक सीट को लेकर के यहाँ पे चिपकाएंगे। तो चलिए सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। फ्रेंड दूसरा रिंग को लेकर के पीवीसी पाइप में इस टाइप से लगा देंगे। लगा लेने के बाद जो टुकड़ा था पीवीसी का उसे भी चिपका देंगे। तो फ्रेंड चिपका लेने के बाद मार्क लगा करके एक्स्ट्रा लेग को कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड सीटों को कटिंग कर लेने के बाद चलिए फटाफट से लगा देते हैं। तो फ्रेंड दोनों लेगों को लगा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा पाइप निकला हुआ है उसे मार्क लगा करके कटिंग कर देंगे। तो चलिए फटाफट से निकाल करके कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड कटिंग कर लेने के बाद फ्रेंड ऊपर के साइड इस टाइप से यहाँ पे रफ करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से रफ कर लेने के बाद 8mm का मार्क लेकर के पीवीसी शीट पे मार्क लगा लेंगे। तो चलिए फटाफट से मार्क लगा करके रिंग को कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो सीट पे मार्क लगाए थे उसे कटिंग कर लेने के बाद दो पाइप इस टाइप से कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लेने के बाद जो रिंग कटिंग की थी इसमें लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड दोनों पाइपों में अच्छे से लगा देने के बाद मार्क लगा देंगे दोनों में और उसमें होल कर देंगे। फ्रेंड इस टाइप से पीवीसी का पाइप लेंगे, इसमें भी इस टाइप से लगा देंगे। तो फ्रेंड अच्छे से लगा लेने के बाद इसमें मार्क लगा करके होल कर देंगे इसमें। तो फ्रेंड होल कर लेने के बाद एक इस टाइप से नट बोल्ट लेंगे। नट बोल्ट को लेकर के इसमें लगा देंगे। जिस टाइप से लगा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी लगा करके टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड ज़्यादा बोल्ट को टाइट नहीं करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। तो फ्रेंड इस टाइप से इस पर रख करके चिपकाएंगे। तो फ्रेंड बीच वाले को छोड़ देंगे, साइड साइड पर चिपकाएंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड चिपकाते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है कि बीच वाला नहीं चिपकना चाहिए। तो चलिए फटाफट से बोल्ट को खोल लेते हैं। खोलने एक बार सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो फ्रेंड एक इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे। टुकड़े को लेकर के इस टाइप से मार्क लगा रहे हैं। जिस टाइप से मार्क लगा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी मार्क लगा देना है। मार्क लगा लेने के बाद इसे कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड सीटों को कटिंग कर लेने के बाद इन्हें आपस में सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो फ्रेंड चिपका लेने के बाद जिस टाइप से मार्क लगा रहे उसी टाइप से मार्क लगा करके कटिंग कर देना है। तो फ्रेंड कटिंग कर लेने के बाद इसे यहाँ पे इस टाइप से लगाएंगे। तो उसके लिए फटाफट से सैंडपेपर की हेल्प से रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से सैंडपेपर की हेल्प से रफ कर लेने के बाद बीच में मार्क लगा करके इसमें होल कर देंगे। तो फ्रेंड होल कर लेने के बाद चलिए इसे चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड चिपकाते वक्त आपको सावधानी से चिपकाना, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो फ्रेंड चिपका लेने के बाद इसे निकाल लेंगे इसमें से। तो फ्रेंड निकाल लेने के बाद एक ही स्टेप से बोल्ट लेंगे। बोल्ट को लेकर के इसमें लगा देंगे।
तो फ्रेंड एक स्टेप से बोल्ट लेंगे, बोल्ट को लेकर के इसमें लगा देंगे। लगा लेने के बाद अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड अच्छे से टाइट कर लेने के बाद ऊपर मोबाइल के लिए होल्डर बनाएंगे, तो चलिए उसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड होल्डर को बनाने के लिए इस टाइप से दो पीवीसी का टुकड़ा लेंगे 2x6 सेंटीमीटर का। तो फ्रेंड दो इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे, इसका मेजरमेंट है 2.5x2 सेंटीमीटर का। तो फ्रेंड दो और पीवीसी का टुकड़ा लेंगे, इसका मेजरमेंट है 2x2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड दो इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे, इसका मेजरमेंट है 1.5x6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड दो और इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे, इसका मेजरमेंट है 0.5x6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इस सीट को लेकर के सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे, तो चलिए चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड सीट को आपस में चिपका लेने के बाद जिस टाइप से हम मार्क लगा रहे उसी टाइप से आपको भी मार्क लगा लेना है। तो फ्रेंड मार्क लगा लेने के बाद सैंड पेपर या फिर रेती की हेल्प से रफ कर देंगे, तो चलिए रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड रफ कर लेने के बाद फ्रेंड ये पीवीसी सीट लेकर के उस पर चिपका देंगे। तो फ्रेंड जिस टाइप से हम चिपका रहे उसी टाइप से आपको भी चिपका लेना है। तो फ्रेंड अच्छे से चिपका लेने के बाद इन दोनों सीटों को लेकर के साइड पे चिपकाएंगे, तो चलिए साइड साइड पे चिपका लेते हैं सुपर ग्लू की हेल्प से। तो फ्रेंड अच्छे से सीट को चिपका लेने के बाद एक मैकेनिज्म लगाना होगा ताकि फ्रेंड मोबाइल को होल्डर होल्ड किया रहे। तो फ्रेंड उसके लिए हम रबर बैंड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड इसमें से दो रबर बैंड ले लेंगे अच्छे। तो फ्रेंड रबर बैंड को ले लेने के बाद इसमें से पीवीसी सीट को निकालेंगे। निकाल लेने के बाद जिस टाइप से हम मार्क लगा रहे उसी टाइप से आपको मार्क लगा करके कटिंग कर देना है। तो फ्रेंड जो सीट पे मार्क लगाए थे उसे कटिंग कर लेने के बाद चलिए रबर बैंड को चिपका लेते हैं। जिस टाइप से हम चिपका रहे रबर बैंड को उसी टाइप से आपको भी चिपका लेना है। तो फ्रेंड अच्छे से रबर बैंड को चिपका लेने के बाद एक इस टाइप से पीवीसी का टुकड़ा लेंगे। टुकड़े को लेकर के इस टाइप से नाप करके कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लेने के बाद स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो फ्रेंड चिपका लेने के बाद जो एक्स्ट्रा पीवीसी सीट का निकला हुआ उसे सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर देंगे। रफ कर लेने के बाद दूसरे साइड भी नाप करके कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लेने के बाद स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो फ्रेंड चिपका लेने के बाद सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर देंगे। तो फ्रेंड 2x2 सेंटीमीटर का दोनों पीस लेकर के इसे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो फ्रेंड चिपका लेने के बाद जिस टाइप से हम मार्क लगा रहे उसी टाइप से आपको मार्क लगा लेना है। तो फ्रेंड इसे सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर देंगे। तो फ्रेंड आपको टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही रफ कर लिया। तो फ्रेंड रफ कर लेने के बाद जिस टाइप से हम इसे चिपका रहे उसी टाइप से आपको भी रख करके चिपका लेना है। चलिए फटाफट से स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से सीट को चिपका लेने के बाद फ्रेंड इसमें इस टाइप से लगा देंगे। लगा देने के बाद जो ऊपर का सीट है उसे भी लगा करके स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे भी चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से चिपका लेने के बाद जो एक्स्ट्रा रबर बैंड निकला हुआ है उसे सीजर की हेल्प से कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए एक बार मोबाइल में लगा करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरीके से और आसानी तरीके से लग जा रहा है और मोबाइल होल्डर मोबाइल को होल्ड किया हुआ है, नीचे भी नहीं गिरा है। तो फ्रेंड चलिए मोबाइल को निकाल लेते हैं होल्डर में से। तो फ्रेंड एक इस टाइप से नट लेंगे। नट को लेकर के होल्डर पर इस टाइप से रख करके मार्क लगा लेंगे। तो फ्रेंड मार्क लगा लेने के बाद उसमें होल कर देंगे। तो गाइस होल्डर में होल कर लेने के बाद चलिए नट को लगा देते हैं। तो फिर नट को अच्छे से लगा लेने के बाद इसमें टाइट कर देंगे। तो फिर टाइट कर लेने के बाद ऊपर के साइड लाइट लगाएंगे। तो उसके लिए चलिए जुगाड़ देख लेते हैं। तो फिर लाइट को बनाने के लिए हम पीवीसी पाइप का यूज करेंगे। तो उसके लिए चलिए फटाफट से मार्क लगा करके 3 सेंटीमीटर का कटिंग कर लेते हैं। तो देखते रहिए फ्रेंड हम करने के वाले हैं। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, जिन जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है। तो फ्रेंड रफ कर लेने के बाद एक स्टेप से लकड़ी लेंगे। लकड़ी को लेकर के दोनों साइड पे इस टाइप से सैंड पेपर की हेल्प से रफ करेंगे। जिस टाइप से हम करें उसी टाइप से आपको भी कर लेना। तो चलिए फटाफट से रफ कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर लेने के बाद पाइप को गर्म कर देंगे। गर्म करके इस टाइप से रख करके दबा देंगे। तो फ्रेंड जिस टाइप से हम करें उसी टाइप से आपको भी कर लेना। तो चलिए फटाफट से कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। We'll be right back.
तो फ्रेंड अच्छे से चिपका लेने के बाद इसके बैक का ढक्कन बनाएंगे। तो उसके लिए पीवीसी शीट पे रख करके मार्क लगा करके कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही शीट को कटिंग कर लिया। कटिंग कर लेने के बाद कुछ कंपोनेंट लेंगे, जो कि फ्रेंड व्हाइट कलर की LED, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, चार्जिंग के लिए चार्जिंग मॉड्यूल और पावर देने के लिए लैपटॉप बैटरी का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से इन सबों को असेंबल कर लेते हैं। तो फिर वायरिंग के लिए हम ग्रीन और येलो वायर का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से चार्जिंग मॉड्यूल पे कनेक्शन कर लेते हैं, येलो वायर नेगेटिव के लिए और ग्रीन वायर पॉजिटिव के लिए। तो फिर अच्छे से बैटरी को सोल्डरिंग कर लेने के बाद LED को रोकने के लिए 0 PCB का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस पे सोल्डरिंग कर लेते हैं LED को। तो फिर LED को सोल्डिंग कर लेने के बाद वायरिंग के लिए हम व्हाइट और ब्लू वायर का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से LED का कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड LED का अच्छे से कनेक्शन कर लेने के बाद पावर देने के लिए हम LED को ब्लैक और रेड वायर का यूज करेंगे, जो कि फ्रेंड रेड वायर पॉजिटिव के लिए और ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए। तो फिर LED पे कनेक्शन कर लेने के बाद ब्लैक वायर डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। तो फिर रेड वायर लेकर के बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग कर लेने के बाद स्विच के एक पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग कर लेने के बाद LED का पॉजिटिव पॉइंट स्विच के दूसरे पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग कर लेने के बाद आपसे गाइस मिलते हैं। तो गाइस अच्छे से स्विच पे कनेक्शन कर लेने के बाद स्विच को सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। स्विच को अच्छे से चिपका लेने के बाद फ्रेंड चार्जिंग मॉड्यूल कभी भी निकल सकता है, तो निकले ना तो उसके लिए ग्लू गन भर देंगे। तो चलिए फटाफट से ग्लू गन से चिपका लेते हैं। चिपका लेने के बाद ऊपर का कैप भी सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो फिर जो साइड से PVC शीट निकला उसे सैंड पेपर या फिर रेती की हेल्प से रफ कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से रफ कर लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं फिर क्या मस्त तरीके से जल रहा है लाइट। तो गाइस एक स्टेप से PVC का टुकड़ा लेंगे 10x3 cm का, दो स्टेप से एक और PVC का टुकड़ा लेंगे 4x3 cm का। इन्हें गर्म करके बैंड कर देंगे 90 एंगल पे। तो चलिए फटाफट से बैंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से सीट को बैंड कर लेने के बाद फ्रेंड जो लाइट के नीचे होल है उसी टाइप से इस सीट में भी होल करेंगे। तो उसके लिए मार्क लगा करके इसमें होल कर देंगे। तो चलिए फटाफट से होल कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो देख सकते फ्रेंड होल हो चुका है। नीचे के साइड लगा करके इंस्टाडूल या सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो गाइस इस सीट को भी चिपका देंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो फिर इस सीट को चिपकाने से पहले चार्जिंग के लिए हम इस पे मार्क लगा करके इसे कटिंग कर देंगे। तो फिर चलिए कटिंग कर लेने के बाद फिर इस पे लगा करके स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देख सकते हैं फिर अच्छे तरीके से चिपक चुका है। फिर साइड में इसके लगाने के लिए हम PVC पाइप का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें से कटिंग कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कटिंग कर लेने के बाद चलिए इसमें लगा देते हैं। लगा लेने के बाद मार्क लगा करके होल कर देंगे और मार्क लगा करके इसमें कटिंग कर देंगे। तो फाइनली गाइस अच्छे से कटिंग कर लेने के बाद चलिए इसमें लगा देते हैं। लगा लेने के बाद स्टेट ग्लू या फिर सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो चलिए फटाफट से चिपका लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड PVC सीट में से इस टाइप से दो सर्कल कटिंग कर लेंगे, जो कि फ्रेंड इस लाइट में लगाएंगे। तो फ्रेंड एक इस टाइप से पाइप का टुकड़ा कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद इसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड इस टाइप से बोल्ट लेकर के इस पे रख करके मार्क लगा करके इसमें होल कर देंगे, जो कि फ्रेंड आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही होल कर लिया। होल कर लेने के बाद नट को इसमें लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो फिर लगा लेने के बाद 1x5x1x5 cm का एक PVC का टुकड़ा लेंगे। टुकड़े को लेकर के इसमें मार्क लगा करके होल कर देंगे। होल कर लेने के बाद नट को लगा करके स्टेट ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे।
तो फिर बोल्ट को अच्छे से चिपका लेने के बाद इसको इसमें लगा देंगे। लगा देने के बाद इसको लाइट में इस टाइप से लगा करके स्टेट ग्लू या फिर सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो फिर इस लाइट को रोकने के लिए एक जुगाड़ लगाना होगा, तो उसके लिए फिर इस टाइप से पीवीसी शीट को गर्म करके इस टाइप से बना लेंगे। बना लेने के बाद स्टेट ग्लू या फिर सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो फिर अच्छे तरीके से चिपका लेने एक बार, चलिए एक बार लगा करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर अच्छे तरीके से लग जा रहा है और टाइट भी अच्छे तरीके से हो जा रहा है। तो फिर इन सभी को निकाल करके अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग कर लेने एक बार चलिए आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेने एक बार नीचे के साइड पीवीसी सीट का रिंग चिपकाएंगे। तो उससे पहले इन पाइप को भी चिपका लेते हैं, पहले नहीं चिपकाते। तो चलिए फटाफट से इन सभी को चिपका करके आपसे मिलते हैं। तो फिर नीचे की सीट को अच्छे से चिपका लेने के बाद ऊपर के साइड एक जुगाड़ लगाएं ताकि फिर आप होल्डर को चाहे जिधर चाहे उधर कर सकते हो। तो देख सकते हैं फिर कितना ज़्यादा अधिक ब्राइटनेस है आँखों में चुभेगी। तो उसके लिए हम फ्लेम सीट का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं फ्लेम सीट को। तो देख सकते हैं फिर क्या मस्त तरीके से दिख रहा है फ्लेम सीट लगाने के बाद। चलिए एक बार ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फिर क्या मस्त तरीके से जल रहा है और अच्छी ब्राइटनेस भी है, आँखों में भी नहीं लगेगी। तो फिर ये एक्चुअल में ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये कैमरे में ब्लिंक कर रहा है। तो फिर इन सभी को पेंट करने के लिए हम स्प्रे पेंट का यूज करेंगे। तो फिर इससे पहले हम इस पर पेपर टेप लगा देंगे ताकि फ्रेंड फ्लेम शीट पे स्प्रे पड़े ना। तो चलिए फटाफट से पेंट कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। Few moments later. तो फाइनली गाइस बन करके रेडी हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस टाइप से पकड़ के आप हैंडल की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये निकाल मोबाइल, इसमें लगा देते हैं इस टाइप से। देख सकते हैं फ्रेंड कितने मस्त तरीके से इसमें आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड इसका लॉक खोल देते हैं, अब फटाफट से कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्या मस्त लग रहा है और कितनी अच्छी ग्रिप है, मुझे भी कम्फर्टेबल महसूस हो रहा है पकड़ने में। तो फ्रेंड देखिए एक खास बात है, यहाँ पे तो कैमरा होता है पर फ्लैश लाइट नहीं है। हाँ किसी मोबाइल में फ्लैश लाइट मिलता है लेकिन वो गाइस मज़ा नहीं आता है। फ्रेंड इस लाइट की हेल्प से आप फ्रंट में भी वीडियो या फिर फोटो शूट कर सकते हो, बैक में भी वीडियो या फिर फोटो शूट कर सकते हो इजीली। तो फ्रेंड देखा जाए तो फ्रेंड इस लाइट में दो और लाइट और एक माइक को भी ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड इस लाइट को आप खोल करके इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं। इसका बैटरी ख़त्म होने पर गाइस यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड काफ़ी देर हो चुका है, मोबाइल को हाथ में पकड़ रखे, तो चलिए इसे रख करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से कहीं भी आप रख सकते हैं इसे, और दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड अब शूट करने के लिए। तो फ्रेंड इस तरह से आप वीडियो को शूट कर सकते हैं इजीली। फ्रेंड आप इसे कहीं भी इस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें देखा जाए तो फ्रेंड होल्डर भी है, लाइट भी है, ट्राइपॉड भी है, ऑल इन वन सभी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड कुछ वीडियो शूट करके देख लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कितना स्टेबल तरीके से वीडियो शूट हो रहा है। चलिए फ्रेंड आप नाइट में टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में हम आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड लाइट को ऑन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना मस्त तरीके से जल रहा है और कितना अधिक ब्राइटनेस है, चाहे तो पूरा ग्रुप भी इसमें आ सकता है। तो फ्रेंड कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।